सब्सक्राइब करें कैरी टेक्निकल को और बेल आइकन के घंटे को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके नए नए वीडियो के अपडेट। हाय गाइज, मैं राजीव झा और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कैरी टेक्निकल में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो कि अभी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर नहीं आया है, बहुत जल्द आ जाएगी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। ये अभी अनरिलीज ऐप है, आप चाहे तो इसे गूगल प्ले स्टोर पर जाके अनरिलीज ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज इस एप्लीकेशन की मैं बताऊंगा कि क्या खासियत है और ये क्यों हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, और जो नए यूट्यूबर हैं जो कि अभी अभी अपना यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और उनको जो वीडियो एडिटिंग बहुत ही हार्ड लगता है, तो उनके लिए स्टार्टअप यहां से बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है क्रूसो, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या है इसमें ऐसा खास। तो चलिए यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं क्रूसो को। ये देखिए ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, ओपन हो रहा है। ये देखिए ओपन हो चुका है क्रूसो। ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस है इस एप्लीकेशन का, और ये देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड का ऑप्शन, ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ से आप लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और ये हम चलते हैं एडिट पे, कोई वीडियो को लेकर एडिट करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मैं ये वीडियो एक यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो बस एज ए एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि इस पर क्या क्या है, कैसा इसका इंटरफेस है और ये कैसे काम करेगी। और जो लोग नए हैं जो कि अभी अभी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है या फिर एक वीडियो एडिटिंग में जो है मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो एडिटिंग करना उनको अच्छा लगता है, उनकी हॉबी है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। यहाँ से आप स्टार्टअप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टअप में जो है काइन मास्टर, सोनी वेगास, ये जो है एप्लीकेशन यूज करें जिसमें जिसके लिए कि आपके पास थोड़ा सा स्किल होना ज़रूरी होता है, तो यहाँ से आप अपना स्किल बना सकते हैं। तो अगर हम इसकी सेटिंग्स की बात करें तो ये देखिए ये एडिटर में हम चलते हैं यहाँ से, और ये देखिए एड क्लिप, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, पैटर्न, स्टिकर, गिफ्ट और रेशियो ये दिया, और ये म्यूजिक यहाँ से आप ऐड कर सकते हो और ये ट्रिम भी कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके, यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। ये देखिए ऐड क्लिप कह रहा है कि अगर आप कोई और क्लिप यहाँ से ऐड करना चाहते हो तो इसके साथ ऐड कर सकते हो, जो कि हम किसी एप्लीकेशन में मर्ज करते हैं तो वो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो। और ये देखो यहाँ से आप अगर अपने वीडियो के ऊपर कोई टेक्स्ट डालना चाहते हो तो यहाँ से आप वीडियो पर अपनी टेक्स्ट भी डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल के यहाँ से क्लिक कर दो राइट क्लिक। और ये फॉन्ट भी, ये देख लो कितनी सारी फॉन्ट है, ये आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। और अगर अब हम अगली सेटिंग की बात करें तो ये देखो ये बैकग्राउंड जो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिया है आपको, ये एक बैकग्राउंड ये देखो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कोई सा भी बैकग्राउंड, तो ये मुझे अच्छा लगा, ये बैकग्राउंड यहाँ से सेट कर लेते हैं और ये ओके कर देते हैं। और ये देखिए पैटर्न, ये पैटर्न भी बहुत अच्छी दी हुई है, ये देखिए यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं अपने वीडियो को में एक नया लुक दे सकते हैं, ये देखिए पैटर्न यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे आपको वो रख लो, फिर यहाँ से हम ओके कर देते हैं। और ये स्टिकर, ये स्टिकर की फैसिलिटी बहुत अच्छी दी हुई है, स्टिकर यहाँ से आप अगर अपने वीडियो के ऊपर कुछ रखना चाहते हो स्टिकर तो ये देखो यहाँ से आप रख सकते हो, साइड में अगर स्पेस खाली है तो हम स्टिकर रख लेते हैं और यहाँ से प्रेस कर लेते हैं ओके। और इसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो गिफ्ट वाला ऑप्शन, ये देखो ये जो आपको ये दिख रहा है हथौड़ा, ये देखो हथौड़ा वाला, ये मान लो मेरी वीडियो चल रही है और ये हथौड़ा भी जो है कंटिन्यू रहेगा, यहाँ से हम ओके कर लेते हैं। ये देखो अब मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो ये देखो हथौड़ा जो है कंटिन्यू है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं। फिर ये म्यूजिक पे आ जाते हैं, यहाँ से आप म्यूजिक सिंपली इसमें जो भी म्यूजिक ऐड करना वो म्यूजिक ऐड कर सकते हो, और ये ट्रिम की ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से चाहते हो तो ट्रिम भी कर सकते हो, और ये कुछ कॉपी करना चाह रहे हो तो कॉपी भी कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल इंटरफेस है इसका और बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत अच्छी जो है इसमें फीचर्स भी दी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अभी के लिए इतना ही, बंदे।